माना नहीं माना छोटी है मेरी स्कर्ट पर ख्वाब तो हैं बड़े. करना तो बहुत कुछ है साहब पर क्या करें. दुनिया ये जज करती है मुझको ये फस कहती है किस किस को सफाई में दूँ सपनों के अपने दुहाई में दूँ तेरे तानों से मैं थक चुकी हूँ चला आज ये मान ही लेती हूँ. हाँ मैं कैरेक्टरलेस हूँ. हाँ मैं कैरेक्टरलेस हूँ. कहते हैं शर्म औरत का गहना है. बिल्कुल ठीक. शर्म औरत का गहना है जिसे उतारते तूने रहना है. फिर ब्रेकिंग न्यूज बनेगी कैंडल मार्च भी रखा जाएगा मोमबत्ती हाथ में पकड़े वो रेपिस भी वहां आएगा. पर आपको पता चले कैसे. ध्यान आपका है क्लीवेज पर. अबे भोसड़ी के थोड़ी शर्म तो कर. दुनिया ये सारी कोरा दुपट्टा उस पे मैं हूँ काला सा धब्बा इज्जत का झंडा छाती पे मेरे यहीं पे तेरी नजरे ठहरे नजरे ये तेरी दोष है मेरा बात जरा सी हल्ला बतेरा झंडे को ले ले अंदर तू अपने बोझ में इसका सहना सकूं कन्फेशन आज मैं करती हूँ. हाँ मैं कैरेक्टरलेस हूँ. मान लेती हूँ कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ. है गला कितना डीप लड़कों के साथ स्लीप जरूर करती होगी सुट्टा और दारू मैं भी जरा यहाँ चांस तो मारू स्लट भी है होर भी है सारे इशूज का कोर भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर ले जाकर उन्हें किचन में बैठाओ उपीनियन दे तो थप्पड़ लगाओ बस. यू नो इफ यू वन ऑफ देम देन यू नॉट अ मैन यू नथिंग बट अ चू. चल तेरी ईगो मसाज करने के लिए बोल ही देती हूँ. हाँ मैं कैरेक्टरलेस हूँ. खुश मैं कैरेक्टरलेस हूँ. डिस्क्लेमर ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है इसका काल्पनिकता से कोई लेना देना नहीं है. एक दिन की बात है सर्दी की वो रात है आज भी जहन में जिंदा जब मैं हुई थी शर्मिंदा क्यों बनाया मुझे लड़की माँ कसम उस दिन भगवान पे बहुत भड़की. मैं और मेरी बहन दीयू के फेस्ट से लौट रहे थे. दिल्ली की सड़क थी रात के कुछ 8 बज रहे थे. माइंड यू जीन्स पहनी थी और बदन स्वेटर से ढके हुए थे पर अचानक मेरा चलना बंद हो गया सांसें रुकी और हाथ तंग हो गया. बहन ने भापा कुछ है लोचा पीछे किसी ने था हाथ दबोचा. 14 साल की मैं डरी सहमी दुनिया के बारे में शायद मुझे थी गलत फहमी. सोचा ये क्या हो रहा है ऐसा भी होता है. मारुति की कार 4 लौंडे सवार एक के हाथ में बॉटल एक के हाथ में माल वो तैयार थे करने बकरे को हलाल. मुझे अंदर खींचने के लिए उसने जैसे ही जोर लगाया घर वालों का चेहरा आखिरी पलों में सामने आया. बहन ने दिखाई फुर्ती जोर से उसको झटका पर मैं खड़ी थी सुन था दिमाग वहीं पर अटका. सोचा आज से पहले तो लाइफ वॉज अ फेरी टेल. ओ और वॉज दैट फेक्ड. नाउ आई एम श्योर दैट इवन दैट फेरी मस्ट हैव बीन रेप्ड. भागे हम दोनों वहां से बची में बाल बाल वरना उसने तो समझ ही लिया था मुझे अपने बाप का माल. यू नो आई वॉन्ट टू से दिस टू ऑल दोज मैन आउट देयर कि अगर आपको लगता है सड़क पर अकेली चलती लड़की या फॉर दैट मैटर कोई भी लड़की आपके बाप का माल है तो आज घर जाके अपने पिताश्री की विल अच्छे से पढ़ लो एक बार और मैं लिख के देती हूँ कि उसमें हमारा नाम कहीं नहीं है. थैंक यू.